जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, ना जाने क्यों बढ़ रही ठंड है। हम जला के बैठे आग, इसका हमें घमंड है। साला ठंड न हुआ कि लुगाई हो गई। अरे साला ठंड कैसे लुगाई हो गई, देख नहीं रहे हो हर दिन ठंड बढ़ते ही जा रहा है। तो बात तो सही कह रहे हो भाई, लुगाई की तरह इससे बचने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ठंड लुगाई से भी ज्यादा खतरनाक है। ठंड लुगाई से भी ज्यादा खतरनाक है, भला वो कैसे? देखो भाई, लुगाई के तो मायके भेजकर आराम से कुछ दिन जिया जा सकता है, लेकिन ठंड को नहीं ना। बात तो सही कह रहे हो भाई, लेकिन तुम्हारा तो शादी भी नहीं हुआ, तो फिर ऐसे ज्ञान लाए कहाँ से? सब आप लोगों का संगत का असर है भाई, पर ठंड तो बहुत बढ़ गया। अरे ठंड बढ़ने का नाम ही मत लो, साला मैं तो एक सप्ताह से नहाया भी नहीं हूँ, कपड़ा उतारने की तो हिम्मत ही नहीं कर रहे, अब तो शरीर में खुजली भी होने लगी है। क्या? हाँ तभी तो शरीर खुजला खुजला के खुजली मार बन गया हूँ। सही कह रहे हो भाई, साला पानी तो इतना ठंडा हो जाता है कि मैं दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ। पानी के तो बात ही ना करो भाई, सुबह उठकर जब जाऊं कुल्ला करने तो लगता है साला दांत ही बाहर आ गए। रात में पानी भी नहीं पीता हूँ, साला कौन बार बार मुतने जाएगा। मुझे ठंड से इतना डर लगता है कि मैं एक सप्ताह से लेटरिंग भी नहीं गया। क्या क्या एक सप्ताह से लेटरिंग नहीं गए हो, लेकिन क्यों? पानी इतना ठंडा होता है कि सुबह हाथ से छूने जाऊं तो हाथ ही कपने लगता है। जरा सोचो मैं धोऊंगा कैसे, हिम्मत जवाब दे जाती है यार। अच्छा फिर जो खाते हो वो कहाँ जाता है? सब अंदर ही जमा हो रहा है। कौन पेट खाली करने के चक्कर ठंडा पानी छूने का गलती करे। बात तो सही कह रहे हो, सुबह सुबह तो धोने में और फट जाती है, इसीलिए तो मैं टॉयलेट पेपर लेके जाता हूँ और उसी से साफ कर लेता हूँ। टॉयलेट पेपर से कैसे साफ कर लेते हो बे? बहुत आसान है भाया, हगने के बाद टॉयलेट पेपर फाड़ो और पिछवाड़े तक हाथ ले जाओ और पोछ लो बस। छी, मेरा मन नहीं मान रहा, उस यहाँ से तू दूसरा काम कैसे कर लेता है बे? अरे भाया पेपर से साफ करने के बाद थोड़ा गर्म पानी से हाथ धो लो बस, काम खत्म। बाप रे बाप, ये जान मारू पाद कौन छोड़ा है बे? इतना भयानक पाद मारा है कि सुनकर साला मुर्दा भी उठकर बैठ जाएगा। लगता है मूली का पराठा खाया, बड़ा भयानक बदबू आ रहा है भाई। हमें तो कई तरह के मिक्स गंध आ रहा है, किसने ये माहौल खराब किया रे? लगता है इसी ने सड़ी गली गैस छोड़ा है। अब क्या करे भैया, इतने दिनों से तो गए नहीं हैं, तो जब भी कभी प्रेशर बनता है तो अंदर की हवा को बाहर की हवा के हवाले कर देते हैं। अच्छा तो तुम ही ने पाद मारा है, साला कल से आएगा तू हमारे साथ नहीं बैठना, मैं तुम्हारा गैस सिलेंडर का रेगुलेटर जाम कर देंगे। लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, कल से अपना टंकी खाली करके ही आना, समझे? और अगर पानी से डर लगता है ना, टॉयलेट पेपर ले लेना, साला माहौल गर्म कर दिया। क्या हुआ भाई, कहाँ खोए हुए है, आज कुछ बोल नहीं रहे हो। लगता है जो पानी पिया है ना, वो गले में ही बर्फ जम गया है, क्यों भाई सही कहे ना? अरे नहीं नहीं, बेचारा को शादी नहीं हुआ है और ठंड भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए चुपचाप बैठा है। अरे ये क्या सुन रहा, शादी करना है तो हमसे बोलो, ऑर्केस्ट्रा वाली से शादी करवा देंगे। अरे वो तो नचनिया है, इससे अच्छा अपना साली से करा दो। आपको शायद हर रोज अपना बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? मैं अनाप शनाप नहीं बोला हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इतना देर से गुमसुम क्या कर रहा था वे? मैं तो अपना ऑनलाइन क्लास के बारे में सोच रहा था। तुम्हारा बाप कभी स्कूल गया नहीं और तुम ऑनलाइन क्लास करते हो? इसी को कहते हैं बाप गवारा बेटा नीतीश कुमार। अच्छा कब होता है तुम्हारा ऑनलाइन क्लास? जब मन हो, जब टाइम मिलता है क्लास शुरू कर लेता हूँ। क्या कर रहा है बे? अपना घर में, वो भी रजाई ओढ़ कर, अपना टाइम आजकल तो ऐसे ही निकल रहा है। कौन पढ़ाता है बे, जेंट्स या लेडीज टीचर? मेरे टीचर का नाम है मियां खलीफा और सनी लियोनी, तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो।
मस्त क्लास देती है फुल मनोरंजन। अरे हम लोग कैसे जवान कर सकते हैं, हमारे ऊपर जो भूतनी का साया है। जरा धीरे बोलो यार, अगर भाभी सुन लगी तो अंदर भी आने नहीं देगी, तो फिर रात भर बौगाते रहना काला कुत्ता की तरह। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ आदर्श आपके बेटा आपके भाई। और मैं हूँ अरविंद। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और वीडियो को एक बार शेयर भी कर देना भाई, आजकल वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। बताओ 26-27 हज़ार सब्सक्राइबर पे चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है, तो प्लीज़ एक बार शेयर कर देना यार।